हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शीशम की लकड़ी की तख्त पर कैसे पॉलिश करते हैं बताएंगे। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले हम 60 नंबर सैंड पेपर से इसकी सैंडिंग कर देंगे अच्छी तरह से। चलिए इसको सैंडिंग कर देते हैं। पहले यह 60 नंबर सैंड पेपर सभी जगह पर अच्छे से इसको लगा लेना है, सैंडिंग कर लेना है। दोस्तों, अब 150 नंबर से इसकी हम सैंडिंग करें, जो भी इसकी नस उभरी हो तो इससे बैठ जाए। तो इसको दबा कर लगा लेना है पेपर को, जो भी नस उभरी हो वो बैठ जाए। दोस्तों, हमने 150 नंबर पेपर लगा लिया। अब हम फिर चपड़ा गलाएंगे। चपड़ा बनाने के लिए आपको स्पीड ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने चपड़ा डब्बे में डाल दिया है और स्पीड डाल दिया। इस 15 मिनट के बाद ये गल जाएगा, तब इसको अप्लाई कर देंगे। 15-20 मिनट में ये बन गल जाता है। तो दोस्तों, हमारा चपड़ा गल गया है, चपड़ा पॉलिश। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे लकड़ी पर सभी जगह पर। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। 102 हाथ इसको अप्लाई करना है दोस्तों, इसको दबा कर अप्लाई करना है, इसके नसों में चले जाएं। चपड़ा अप्लाई करने के बाद दोस्तों, हम इसमें पुट्टी अप्लाई करेंगे। पुट्टी जहाँ पर रिपेयर करना है रिपेयर कर देंगे। दोस्तों, आप पुट्टी बनाएंगे। पुट्टी बनाने के लिए ब्राउन कलर अंबर चाहिए और रेड कलर चाक मिट्टी चाहिए। इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लेना है पानी के ज़रिए। दोस्तों, दोनों चीज़ बराबर से लेना है और सही तरह से बनाना है, कलर लकड़ी कलर मैच कराकर। अगर डार्क हो जाएगा तो ये इसमें धब्बे दिखेंगे। दोस्तों, अभी हमको पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद इसको अच्छे तरह से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसमें फेविकोल मिक्स कर देंगे, पुडिंग की मजबूती हो जाएगी। तो इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है, फिर उसके बाद अप्लाई कर देना लकड़ी पर जहाँ पर रिपेयर है। तो दोस्तों, चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं। जहाँ पर फटी हुई लकड़ी हो, खीले निशान हो, झरी हो, वहाँ पर उसको भर देना है अच्छी तरह से। इसको भरने के बाद, इसको सूखने के बाद इसमें हम 150 नंबर से इसकी मजाई करेंगे। बेड पर उंगली से भर देना है। इस तरह से भरना है दोस्तों सभी जगह पे। और ये सनमाइका लगा हुआ, सनमाइके के ऊपर हमने टेपिंग कर दिया था पहले से, जिससे कि पॉलिश करने पे ये ख़राब ना हो पाए। तो ऊपर भी गैपिंग है हल्की हल्की, तो उस पर भर देना है। अभी दोस्तों, हम 150 नंबर से इसकी मजाई कर देंगे। पुट्टी हमारी सूख गई है। तो दबा कर पुट्टी मांझना है सभी जहाँ से पुट्टी निकल जाए बाहर। दोस्तों, हमने मजाई कर लिया। अब इसको अच्छे तरह से सफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम सैंडिंग सिलर का यूज करेंगे। दोस्तों, ये सैंडिंग सिलर है और ये एनसी थिनर है। इसको मिलाकर इसमें हम अप्लाई कर देंगे, इसकी नस भर देंगे अच्छी तरह से।
सिलर का 5-6 हाथ इसमें अप्लाई कर देना है, इसकी नस भर जाएगी। तो हमने दोस्तों सिलर की नस भर दिया है सिलर से, अब सिलर का काम इसमें ख़त्म हो गया है। अब इसका हम इस पर हम दोबारा पुट्टी अप्लाई करेंगे। दोस्तों हमने पुट्टी अप्लाई कर दी है दोबारा में, फिर इसको इसकी मजाई करेंगे 150 नंबर या 220 नंबर से इसकी मजाई कर देना है। दोस्तों अब हम इसका मायका साफ कर लेंगे। मायका साफ करने के लिए पुडिंग पत्ती चाहिए और पानी से साफ करेंगे इसको, जो भी फेविकोल लगे हों साफ कर लें। दोस्तों अब इसमें हम चंदा सप्लाई करेंगे। चंदा बनाने के लिए ऐसी थिनर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों यह चंद्रस है, चंद्रस को एक डब्बे में डालेंगे या कपड़े में बांध लेंगे। तो अभी दोस्तों हम डब्बे में डाल के इसको गलाएंगे। अब चंद्रस गलाने के लिए 24 घंटे पहले चंद्रस को गलाना पड़ता है दोस्तों, लेकिन हम 2-4 घंटे पहले इसको गला रहे हैं। जितना ये पहले गला होगा उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। दोस्तों चंद्रस हमारे गल गया है। अब चंद्रस को हम एक कपड़े से छान लेंगे किसी साफ डब्बे में, देखिए इस तरह को। इस तरह से छान लेना है। तो दोस्तों चंदा हम अप्लाई कर देते हैं अब लकड़ी पर सभी जगह पर, देखिए इस तरह से। चंदा का एक दो हाथ मारने के बाद इसमें हम कलर सेट करेंगे, जो लकड़ी कलर अगर फ़र्क हो तो उसको सेट करने के बाद फिर इस पर चंदा अप्लाई करेंगे। दोस्तों हम कलर सेट करते हैं। कलर बनाने के लिए चपड़ा और ब्राउन अंबर थोड़ा सा रेड चौक मिट्टी मिलाकर इसका कलर बना लेंगे। फिर उसके बाद कपड़े की मदद से इस पर हम अप्लाई कर देंगे। जहाँ पर कलर हल्का हो उसको मैच कराना है, इस तरह देखिए। हल्के हल्के हाथों से इसको अप्लाई करना है, जहाँ पर कलर हल्का हो उसको मैच करना लकड़ी पर। दोस्तों हमारा कलर मैच हो गया है, अब इस पर हम चंदा अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।